मैंने से करवा और फिर से ग्यारह की सिलेबस चल रहा हूँ। चैप्टर संख्या चार हम कर रहे हैं, जिसमें आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर का सबसे सबसे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी एग्जाम में अगर देखें तो कुछ आया ही नहीं है, ये जरूर है। दूसरी बात, आफ्टर एग्जाम देखें, आफ्टर ट्वेल्थ देखें, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड बात करें तो जैसे लास्ट चैप्टर में गति की समीकरण ने सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखें तो उनमें से बहुत से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे भी स्थितियां दी जाए, कण को इधर से फेंका, ये प्रारंभिक वेग है, शांति वेग बताओ, समय बताओ, कितने समय में ऊपर जाएगा, कितने समय में नीचे आएगा, वैसी स्थितियां यहाँ है। और इस टॉपिक से भी हम उन क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं, हम करेंगे लेकिन कर सकते हैं। यहाँ और उसके अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बात तो बात करेंगे प्रक्षेप गति। आप इसको शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की चीज है। आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो सब चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी। एक बार में न्याय हो सकता है, दिक्कत रहेगी, नियमित में थोड़ा सा रूटीन में आने में भी टाइम लग जाता है बच्चों को, तो आप ऐसी स्थिति में कब एक बार देखा करें, फिर लिखा करें और उसके बाद दोबारा रिवाइज किया करें, फिर एक बार और देखने का दिक्कत रहेगा। फिर जब आप दूसरी बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फैमिलियर लगेगा, ये लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है, इस तरह से ये चीजें सोल्व हो जाती हैं, तो आपको बिल्कुल थोड़ा ठीक लगेगा और दोबारा थोड़ा सा माइंड में ज्यादा बैठेगा। और जब फिर बाद में आप करके देखेंगे तो बिल्कुल आपसे हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। ग्यारह में अगर हैबिट आपकी सी बढ़ जाती है तो ट्वेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आती है। हैबिट बनाने वाला काम ग्यारहवीं में ही करना पड़ता है, जिसकी जो स्थिति इलेवंथ में रहती है वो ट्वेल्थ में रहती है। कुछ यूँ सोचते हैं भाई इलेवंथ में तो अपने ऐसे चल रहे तो कोई खास बात नहीं, वो कहते हैं बाद में देख लें, ट्वेल्थ में पता नहीं कौन से झंडे काटते हैं, तो ट्वेल्थ में कोई झंडे नहीं कटते हैं, जिनके इलेवंथ में नहीं कटे उनके ट्वेल्थ में भी नहीं कटेंगे, उनका वही हाल रहेगा कि इलेवंथ में देखा, इलेवंथ में जो मस्ती मार रहे थे वो ट्वेल्थ में भी मस्ती मारेंगे। मस्ती करो, मस्ती करना बुरी बात नहीं है, थोड़ी करनी थी लेकिन उसके साथ साथ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके साथ चल रहे पढ़ रहे, तो इसमें बात करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करें। टॉपिक पे आते हैं, प्रक्षेप गति क्या है, फिर कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बातें आएंगी, न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आगे के हम इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे रिलेटेड, और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल रहेगी। देखो गति की समीकरण जो लेते हैं वो हम एक ही में गति की समीकरण है वो सारी सारी रेखीय गति लेते हैं, उसमें कहीं पर थीटा नहीं आता है, थीटा कोण नहीं आता कहीं पर। हम क्या कहते हैं, कण को 10-20 मीटर ऊंची छत से गिराया गया है, कितनी समय में वो जमीन पर आएगा, कण को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, कितनी ऊपर जाएगा वो, फिर कितनी देर बाद वापस आएगा, फिर आने जाने में टोटल समय कितना लगेगा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा, कितना, ये सब चीजें उसमें बात है। कहीं पर भी हम ये नहीं कहते कि उसको इस कोण से फेंका गया। यहां जो बात करेंगे पूरा का पूरा ये कह सकते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे बात करेंगे, पूरा क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं, जानते ऐसा जब भी जानता हूँ सब जानते हैं, तो क्रिकेट ग्राउंड में हम बात करेंगे कि क्रिकेट ग्राउंड में क्या स्थितियां रहती है, वो सारी इसके अंदर हम बात करेंगे। अब वहां पर स्थिति बहुत थोड़ी आती है, बैट पे पड़ती है तो फिर कहा कैसे जाती है, किसी भी एंगल से जा सकते हैं, किसी भी एंगल से जा सकते हैं, किसी भी कोण से, तो यहाँ कोण इंक्लूड कर लेंगे। वहां जो थी वो रेखीय गति थी, कण ऐसे आ रहा था ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है तो फिर वो सीधा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। यहां हम क्या बात करेंगे, यदि किसी कण को, किसी पार्टिकल को, किसी वस्तु को किसी कोण पर फेंका जाता है, किसी भी कोण पर फेंका जाता है, अगर जीरो डिग्री पर फेंका गया, ऊपर की ओर नीचे की ओर फेंका गया, तो कंडीशन आ जाएगी, तो इनसे वही समीकरण आ जाएंगे। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो समीकरण आएगी वो सभी में लागू होगी, उनमें भी हो सकती है, यहां तो होंगे होंगे, कि किसी कण को किसी कोण पर अगर फेंका गया है, किसी कोण पर अगर फेंका गया है तो उसकी जो गति होती है, कण की गति, वो प्रक्षेप गति कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है, किसी कण को किसी कोण पर फेंकने के पश्चात जो उसकी गति होती है उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। अब नॉर्मली कैसी गति होती है वो उसके लिए हम डेराइव करेंगे,
कैसी गलती होती है, हमने ऐसे नहीं करा, तो उसमें दो गलती होती है। इसकी बेसिक बात ध्यान से समझना, यही बात काम आएगी पूरे डेरिवेशन के, हम तीन चार पार्ट करेंगे, सभी में एक ही बात काम है जो अब हम करने वाले हैं कि किसी कारण को हमने इस कोण पे फेंका तो वो ऐसे सीधा नहीं जा रहा, सीधा नहीं फेंका हमने कोण पे फेंका तो वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वो साथ साथ आगे भी जा रहा है और साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। जब बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल वही है कि बॉल जब बैट पे आती है और उसके शॉट लगता है तो बॉल कैसे जाती है, ऐसे जाती है, बैट यहाँ होता है ना बिल्कुल जमीन के पास, यहां से ऐसे जाती है ऊपर जाती है और फिर आगे जाएगी, ऐसा ऐसा होता है कि यहाँ ऊपर गई यहाँ से ऐसे नीचे आ गई, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, फिर भी वो आगे जाती रहती है और फिर नीचे आती रहती है, आगे जाती रहती है नीचे आती रहती है, तो ऐसा पथ नहीं होता उसके अंदर, ऐसा पथ नहीं होता कि यहां से बैट से टकराने के बाद में ऐसे जा रही है ऊपर जा रही है, आगे जा रही है ऊपर जा रही है, अधिकतम ऊंचाई पर जा रही है, फिर आगे जा रही है नीचे आ रही है, आगे जा रही है नीचे आ रही है, आगे गिर जाती है। अब वो डिपेंड करता है मारने वाले वे कि वो ग्राउंड के अंदर गिरेगी या बाहर गिरेगी या किसी आगे में आ जाएगी, क्या जाओगे वो कंडीशन सारी है वो तो डिपेंड करती है कि वो शॉट किसने लगाया और किस एंगल पे लगाया, वो भी हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा दूरी पे कब जाए, सबसे लंबा सिक्स कब पड़ेगा, वो भी हम इसमें बात करेंगे कि सबसे लंबा सिक्स कैसे पड़ेगा, वो तो ग्राउंड की कैलकुलेशन भी होती है सारी की सारी कि इधर से तो शॉट पड़ा, उधर से स्क्रीन में लिखा गया टीवी में कि 92 मीटर, तो हमने देख लिया उसे आगे 92 मीटर का सिक्स लगा दिया इसकी लंबाई है, लेकिन किसी को किसी ने देखा वहां से ग्राउंड से जहां वो सहवाग खड़ा था वहां से लेकर और जहां बोल गए वहां फीता लेके जाए और फिर मेजर करे भाई 92 मीटर हो गया तीवर कितने मीटर गए, ऐसा नहीं होता। वो सारी कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे वो हम यहाँ डिराइव करेंगे सारे फॉर्मूले से। सबसे पहली बात प्रक्षेप गति क्या है, कण को किसी कोण पर फेंकने पर कण की गति प्रक्षेपी गति के बाती। दूसरा अब इसमें फोन भरते हैं सिंपली स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं प्रक्षेपे का अर्थ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपे का पथ, पथ का समीकरण निकालेंगे फिर अधिकतम ऊंचाई का समीकरण निकालेंगे, अधिकतम ऊंचाई में समय कितना लग रहा है उसका समीकरण निकालेंगे, कितने समय तक गोल हवा में रहती है उसका समीकरण निकालेंगे, कितनी दूरी तक जाके गिरती है उसका, सब बातें इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर कि यहां से किसी कण को फेंका गया और कोण कितना है थीटा है, वेग क्या है प्रारंभिक वेग से फेंकते, प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं यू लेते हैं, यू से फेंकेंगे तो क्या होगा कण धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है और फिर अधिकतम ऊंचाई तक आएगा, फिर वापस आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, ये स्थितियां होती है। अब देखो ऐसी स्थिति में जब कोण किसी कोण पर है वेग तो उसके दो घटक दो कंपोनेंट हो जाते हैं एक क्षितिज और एक ऊर्ध्वाधर, क्योंकि उसके अंदर दो गतियां हो रही है आगे भी जा रहा कण ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा ऊपर या फिर आगे भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, आगे जा रहा है नीचे आ रहा है जब तक गिरेगा तब तक, तो दो स्थितियां हो गई आगे जाने वाली और ऊपर नीचे यानी ऊंचाई वाली, दोनों को एक साथ सॉल्व करना संभव नहीं है, दोनों की अलग अलग स्थिति है कि जब कण अगर स्ट्रेट पाथ पे गति कर रहा है तो उसकी कंडीशन अलग होगी, जब कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसकी कंडीशन अलग होगी, ये दोनों कंडीशन हमें समझनी है फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो दो घटक इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखिए तो कण आगे भी जा रहा है, आगे जा रहा है तो कौन सा घटक है यू कॉस थीटा, कण ऊपर भी जा रहा है कौन सा घटक है यू साइन थीटा,
यहां देखिए प्रणाली की धारा कौन सा घटक है, u cos थीटा। ऊपर की धारा कौन सा घटक है, u sin थीटा। यहां देखिए प्रणाली की धारा कौन सा घटक है, u cos थीटा। कण अब नीचे आ रहा है तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया u sin थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑलवेज u sin थीटा। क्षैतिज घटक हमेशा u cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा u sin थीटा होता है। घटक घटक मतलब टुकड़े कंपोनेंट किसके किए जाते हैं, जो वैल्यू जो है किसी कोण पर है, u किसी कोण पर है तो u के दो घटक हो गए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब दो बातें हम अलग अलग करेंगे कि जब कण सीधा गति कर रहा है, अब देखो दोनों गतियों को हमें मिक्स नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। मिक्स हम कैसे करेंगे, एक ही वैल्यू दूसरे में पुट करके करेंगे। सॉल्व करते समय हमें दोनों को अलग अलग स्थितियां लेंगे, यानी अगर हम यू कह रहे हैं कि कण आगे बढ़ रहा है तो हम एक बार भूल जाएंगे कि कण ऊपर भी बढ़ रहा है, हम ये याद रखेंगे कण आगे बढ़ रहा है, इसी को हम अलग सोल्व। फिर हम बात करेंगे कि कण अब ऊपर भी जा रहा है, फिर हम आगे जाने वाली कंडीशन को छोड़ देंगे, ऊपर जाने वाली कंडीशन का ध्यान रखें, क्योंकि दोनों ही स्थितियां अलग अलग हैं। प्रक्षेपण का पथ क्या होता क्या है, जब किसी कण को थीटा कोण पर फेंका जाता है तो वह जिस पथ पर गति करता है उस पथ को प्रक्षेपण का पथ कहते हैं। प्रक्षेपण क्या है, अगर पत्थर को फेंक रहे तो पत्थर ही प्रक्षेप है, कण है कण ही प्रक्षेप है, ठीक है। प्रोजेक्टर वही है, प्रोजेक्ट क्या है जिसको फेंक रहे। तो अब अपने पास दो स्थितियां हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। सबसे पहली बात क्या है कि कण को थीटा कोण पर यू वेग से कण मलिक देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कण को थीटा कोण पर यू वेग से फेंका जाता है तब वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, यू साइन थीटा। ये दो बातें आपके पास है, इनको हम लेकर दिखाई दे रहा जरूर। अब आगे सोल्व करते हैं, अब पहले बात कर लेते हैं कि अभी मैंने कहा कि जब क्षैतिज की बात करेंगे तो ऊंचाई की बात नहीं करेंगे, जब ऊंचाई की बात करेंगे तो क्षैतिज की बात नहीं करेंगे। तो पहले हम, लेकिन गति कैसी हो रही है, गति तो दोनों हो रही है, कण ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है, कंटिन्यू ही चल रहा है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर देंगे, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर देंगे और वो जो समीकरण आएगा वो पथ का समीकरण आएगा। एक बार हम क्या लेकर चल रहे हैं कि कण की क्षैतिज गति हो रही है। अब देखो क्षैतिज गति हो रही है इसका मतलब उसकी ऊंचाई बदल नहीं रही है, कण ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है कण, तो उसकी ऊंचाई मान लो 10 मीटर है जमीन से, तो 10 मीटर ही है। वेग कब बदलता है, जब कण ऊपर से नीचे आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपने ओर खींचता है, त्वरण उस पर कार्य करता है, इसलिए उसकी स्पीड निरंतर बढ़ती रहती है, अधिकतम वेग से वो जमीन को टकराता है। लेकिन वो नीचे आएगी क्या, वो तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में ध्यान रखें, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए क्षैतिज गति में त्वरण नहीं होगा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वो तो एक समान वेग से गति कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जी इसके लिए बदल नहीं रहा, इसके लिए जी जो है वो सॉरी ऊंचाई इसकी बदल नहीं रही, जैसे जैसे वो नीचे आएगा, जब कण को हम फेंकते हैं ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, यहाँ प्रारंभिक वेग जीरो है, नीचे आ जाते हैं उसका वेग क्या रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जब कण सीधा चल रहा है, तो उसकी ऊंचाई यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, ऊंचाई में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, इसलिए वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए क्षैतिज गति में त्वरण का मान क्या होगा, जीरो। क्षैतिज गति में त्वरण का मान जीरो, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखनी है। तो पहले बात कर लेते हैं क्षैतिज गति की,
जो बातें जो मीनिंग अपने पास है वो हमें लिखनी है, फिर अपने पास गति की समीकरण है और मीनिंग जो लगे उसमें अप्लाई करनी है और अपने आप रिजल्ट आना है। क्षैतिज गति के लिए क्षैतिज गति में देखो यू क्या है, क्षैतिज गति की बात करें तो यू क्या है, यू कॉस थीटा है। ऊर्ध्वाधर गति की बात करें तो यू क्या है, यू साइन थीटा है। तो यू के हमने क्या कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो यू तो खत्म हो गया ये मामला, अब यू के ही तो हमने दो बाकी है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। तो जब यू कॉस थीटा ले रहे हैं तब हमने वही लेना है, यू साइन थीटा ले रहे हैं तब हमने वही लेना है, यू साइन थीटा, यू नहीं लेना। यू के हमने दो पार्ट कर दोनों को मिला के यू है, ठीक है। ये कैसे आता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले चैप्टर संख्या 3 की क्लासेस पूरी देख लें, उसमें पता चला है यू कॉस थीटा और कोई कर यू साइन थीटा क्यों लेते हैं, तो वो उसके अंदर पूरी क्लास उसके अंदर दे रखी है, हम यहाँ उसके लिए टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्षैतिज गति की बात कर रहे हैं पहले, क्षैतिज गति के लिए वेग तो क्या होगा, यू तो होगा यू कॉस थीटा, कौन सा प्रारंभिक वेग, क्लियर। दूसरी बात एस बराबर क्या है, कौन सी दिशा में हो रही है, एक्स अक्ष में हो रही है, इसलिए इसको मान लेते हैं एक्स। एस बराबर क्या है, एक्स क्या है, दूरी है, और ए बराबर क्या है, जीरो है, क्लियर। ए बराबर क्या है, जीरो है। तो अपने पास आ गई क्षैतिज गति की ये कंडीशन आ गई, यू बराबर यू कॉस थीटा, एस बराबर एक्स और ए बराबर जीरो, ये क्षैतिज। अब ऊर्ध्वाधर अभी पहले हम ऊपर लगाएंगे इक्वेशन में, पहले बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर की। जब ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, कर्ण ऊपर जा रहा है या कर्ण नीचे जा रहा है, जब कर्ण ऊपर जा रहा है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसकी कौन सी अक्ष के अनुसार गति हो रही है, वाई अक्ष के अनुसार, वाई अक्ष के अनुसार हो रही है। तो क्या हो गया, क्या हो गया, एस बराबर तो वाई हो गया, कर्ण ऊपर जा रहा है, त्वरण की तरह काम कर रहा है, नीचे की ओर त्वरण नीचे की ओर खींच रहा है उसका, तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती रहेगी और अंत में एक बिंदु पर जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वहां से कण क्या जाएगा। तो जब कण ऊपर जा रहा है उस स्थिति में क्या होगा, उस पर जी नीचे काम कर रहा है, तो ए बराबर क्या होगा, इस स्थिति में ए बराबर क्या होगा, माइनस जी। एस बराबर क्या होगा, वाई। यू बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा। ये दोनों बातें अगर समझ में हमें आ जाती है, पता चल जाता है कि क्यों ली गई है और कैसे ली गई है, तो ये समझ लें कि इस टॉपिक को हम इजी वे में सॉल्व सिंप्लीफाई कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये हमें इनमें कंफ्यूजन रह जाती है तो फिर हमें फिर आगे तक ऊंचाई की बात करेंगे, फिर टाइम की बात करेंगे, फिर सीधी दूरी की बात करेंगे, तो फिर वही सब में वही बातें चलेंगी। जब हम हर जगह या तो हम आगे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, जो भी स्थिति ले रहे हैं उसके अनुसार हमें वेग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्यों ले रही है। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जब क्षैतिज गति हो रही है कण सीधा जाता है, देखो वेग में परिवर्तन कब होता है, जब कण ऊपर जाता है या नीचे आता है, ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है, विपरीत दिशा में तो स्पीड कम होती रहेगी, नीचे आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण भी उधर ही है तो स्पीड बढ़ती रहेगी, सीधा जा रहा है तो ऊंचाई बदल ही नहीं रही तो स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एक बात, अब इसमें गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं, गति की द्वितीय समीकरण से क्या है, एस बराबर यूटी प्लस एक बटा दो, एस की जगह क्या रखेंगे, एक्स, यू की जगह क्या रखेंगे, यू कॉस थीटा, टी की जगह क्या रखेंगे, टी प्लस ए की जगह जीरो रखेंगे, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। टी का मान निकालने यहां से, टी बराबर क्या आ गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, जब जरूरत पड़ेगी इसका मान हम यूज करेंगे। देखो पथ का समीकरण निकाल रहे हैं, ये पथ है, पथ में तो दोनों ही चीजें, कण आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, फिर आगे भी जा रहा है नीचे जा रहा है, दोनों चीजें, इसीलिए हमें दोनों को सॉल्व करना है।
हमने इनको सोल्व कर लिया क्षैतिज गति के लिए। अब दूसरी बात करते हैं कौन सी गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखा हुआ सामने, फिर रिवाइज कर लेते हैं। कण ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन नीचे काम कर रहा है, तो इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, किसके कारण, जी के कारण। तो त्वरण ए बराबर क्या काम करेगा, माइनस जी काम करेगा, ए बराबर माइनस जी। तो यहां त्वरण ए बराबर तो हो जाएगा माइनस जी, और एस बराबर क्या हो जाएगा वाई, और यू बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। गति समीकरण वही लगा कि एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, एस की जगह रखेंगे वाई, U की जगह रखेंगे U साइन थीटा, T की जगह रखेंगे ये रहा मान X अपॉन। अब देखो हमने X को ले आए हम इसके अंदर, X को ले आए हो गए दोनों मिक्स, यानी अब क्या हो गया, अब जो समीकरण बन रही है इस समीकरण के अंदर क्षैतिज गति भी है ऊर्ध्वाधर गति भी है, दोनों मिक्स हो गई है इसके अंदर, दोनों मिक्स हो गई, इसलिए सोल्व तो अलग अलग करनी पड़ेगी, फिर हम उनको एक साथ कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पथ में तो दोनों ही सीधे हैं, तो दोनों ही आगे चलेगा, प्लस एक बटा दो ए, ए क्या होगा माइनस जी, और टी क्या है टी ये ना एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसका इसके सॉल्व कर लो आगे समीकरण, वाई इज इक्वल टू यू से यू कट गया, एक्स साइन अपॉन कोस तो होता है टेन थीटा, ये माइनस वन अपॉन टू जी, और ये क्या गया एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये जो समीकरण नंबर दो आई है, ये समीकरण दो किसको व्यक्त करती है, ये समीकरण दो व्यक्त करती है किसको, प्रक्षेप के पथ को, समीकरण दो प्रक्षेपे के पथ का समीकरण है। अब इसमें देखो y बराबर क्या आ गया, x tan थीटा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो समीकरण हो जाए कुछ वृत्त की परवलय गति परवलय, उसमें ये परवलय की समीकरण है, पैराबोलिक पाथ की समीकरण, फोर एक्स उसका एक पार्ट होता है, उसी से टूटी जूटी समीकरण है, इसलिए ये जो पथ है वो किस प्रकार का बनता है, परवलयकार का बनता है। इस नाम को जरूर ध्यान रखें कि अगर कहें कि किसी कण को थीटा कोण पर फेंका गया है किस पथ पर वो गति करेगा, तो किस पथ पर, पैराबोलिक पाथ पर गति करेगा, परवलयकार पथ पर गति करेगा, और ये परवलयकार पथ की गति का समीकरण। एक बात तो ये सोच लो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो यही है कि जब क्षैतिज की हम बात कर रहे हैं तो ये चीजें कहां से, क्लियर, जब ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो ये चीजें कहां से, इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये जरूर आप ध्यान रख लें। अब इसमें हम थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, एक बात और सोल्व कर लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई को सोल्व कर देते हैं, प्रक्षेपे की अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम, वैसे भी इसमें एक दो बातें और आएंगी, प्रक्षेपण पता है एक समीकरण, प्रक्षेपण अधिकतम ऊंचाई है, फिर अधिकतम ऊंचाई में लगा समय आएगा, फिर इसका उड्डयन काल है कितने समय तक हवा में रहते हैं, वो लंबी हो जाएगी क्लास, अपलोड करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको दो टुकड़ों में करेंगे, इस क्लास में हम केवल इसलिए बात करेंगे, कर ली एक बात और कर लेते हैं, बाकी दो बातें और रहेंगी, ध्यान रखें इसके बाद की जो क्लास होगी उसके अंदर हम वो बात करेंगे, तो आप उसका ध्यान, प्रक्षेपण के अधिकतम ऊंचाई,
अब देखो अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें पता होना चाहिए कंडीशन कि अधिकतम ऊंचाई का मतलब कण ऊपर जा रहा है, ऊंचाई में केवल हमें क्या करना है ऊंची कितनी है यही तो बताना। कण ऐसे ऐसे गया यहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो अपने को यही से और ये देखना वर्टिकल लेंथ कितनी है, ऊंचाई कितनी है। तो कण जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक स्पीड एक जगह उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, वहां से कण वापिस आता है। तो वो जहां स्पीड जीरो होती है वही तो अधिकतम ऊंचाई होती है, तो अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं एक दो बार, तो ध्यान रखें अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग जीरो होता है, ये बात जरूर ध्यान रखें। अब देखो एक वर्ड ऊंचाई आ गया, ऊंचाई आ गया तो कौन सी बात लागू होगी, यही तो लागू होगी ऊंचाई का मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग कितना है यू साइन थीटा, ठीक है। ऊंचाई है तो इसको एस को वाई लिखे, वाई को दूरी है नहीं ऊंचाई दूरी है, इसको एस को चाहिए वाई लिखो चाहिए एच लिख दो, हाइट के लिए एच यूज कर रहे हैं तो एच लिख दो। ए बराबर क्या है माइनस, एक बात हो रहा है लेकिन वो क्या है अधिकतम वर्ड जब आ गया अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो जाता है जीरो, कौन सा अंतिम वेग, इसलिए वहां बी बराबर जीरो है, ये बात हो रही है। तो अधिकतम ऊंचाई पर बी बराबर जीरो, बी का मतलब अंतिम वेग, और यू बराबर यू साइन थीटा, ए बराबर माइनस जी, एच बराबर एस बराबर एच, एच बराबर से वाई। अब कौन सी समीकरण बन, कौन सी समीकरण बने जिसमें ये सारे मान एस आ रहा हो और वी आ रहा। अब देखो एस वाली समीकरण कौन सी है, दूसरी और तीसरी, दूसरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी आते ही स्क्वायर, कौन सी बची तीसरी बची, एक ही समीकरण बची कुदरत की। तृतीय समीकरण से क्या आएगा एस बराबर सॉरी बी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, तो बी स्क्वेयर बी का मान क्या है जीरो, यू का मान क्या है यू साइन थीटा का स्क्वेयर, टू ए बी ए का मान क्या है माइनस जी, एस का मान क्या है, ये इधर आ जाए क्या देगा टू जी एच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच इज इक्वल टू क्या देगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो हाइट की तो कैलकुलेशन होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में वो इस फॉर्मूले से, दो चीजें चाहिए केवल, दो चीजें क्या चाहिए कि किस वेग से फेंका गया और किस कोण से फेंका गया, दोनों चीजें अगर हैं तो हम उसमें बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर जाए, उसमें वो दोनों मान रखो कैलकुलेशन करो जो उत्तर आएगा वो बताते हैं कितनी ऊपर गई। एक बार क्वेश्चन फट दे दो, दूसरी बात अगर हम कहें कि बॉल को अधिकतम ऊंचाई पर अपनी क्षमता के अनुसार जितने जोर से हम फेंक सकते हैं वो तो प्रारंभिक वेग होगा, वो तो उतना ही जोर जितना है उतना ही रहेगा, और किस कोण पे फेंकेंगे कि वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाए, तो यहां देखो जहां पर थीटा आ गया वहां थीटा के अनुसार देखो साइन और कोस के अधिकतम मान एक होते हैं, साइन का अधिकतम मान एक होता है कोस का भी अधिकतम मान एक होता है, तो एक कब आएगा जब थीटा का मान इतना आएगा 90 डिग्री साइन 90 का मान एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, उस समय उस वेग के अनुसार जिससे फेंका गया है उस वेग के अनुसार मान क्या होगा अधिकतम होगा। तो यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो तो साइन 90 बराबर क्या होगा एक होगा, एच मैक्सिमम की जो वेव है वो क्या आएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो जिस कोण पे 30 डिग्री अगर फेंका गया तो 30 डिग्री के हिसाब से अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी, लेकिन अगर ये पूछे कि किसी बॉल को अधिकतम ऊंचाई पर फेंकना है कोई भी व्यक्ति फेंकना चाहता है तो उसे कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए, कितने डिग्री पर 90 डिग्री, यानी वो यहां खड़ा यही ऊपर फेंक गया तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी, टेढ़ा फेंक गया 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे 60 डिग्री पे अगर यूं फेंके तो फिर वो अधिकतम ऊंचाई पे नहीं जाएगी, दूरी उसकी बढ़ती जाएगी ऊंचाई उसकी कम होती जाएगी। दूरी की हम जब बात करेंगे तब बताएंगे कि
कि कितने कोण पर फेंकना चाहिए कि सबसे ज्यादा दूर जाए। तो ऊंचाई के लिए आप ध्यान रखें कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यानी हमारे हाथ के लंबवत ऊपर की ओर सीधा स्ट्रेट ऊपर फेंकना चाहिए, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बॉल जाएगी। उसके लिए ये डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, समझ के करें आप इनको अच्छी तरह से, देखेंगे कैसे करना है, और कोई दिक्कत आए तो आप जरूर बता दें, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। अभी दो बातें और रहेंगे कि आप ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास में डे 31 है, शायद डे 32 में तो बात करेंगे, अगली क्लास में कल अपलोड करेंगे उस क्लास को, तो उसमें हम आगे की दो बातें करेंगे। तो ये आप पहले कर लें फिर आगे की क्लास देखें, डायरेक्ट उस क्लास में तो पहुंचेगा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, फिर उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, इनको आप पढ़ लें, रिवाइज करके लिख के देखें, नोट बना लें, समझ लें, फिर आप नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम क्या करेंगे अधिकतम ऊंचाई में लगने वाला समय क्या है। इस डायग्राम को दोबारा बना लें, कुछ इन्हों थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लें, लेकिन आप एक बार इसमें समझ लें अच्छी तरह से, फिर हम आगे इसमें बात करेंगे। यही पा रहे हो स्क्रीन शॉट ले लिया जो कि बाद में लिख लिया, समझ लिया आप इसको, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।